तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि रशिया और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे नहीं थे। भारत और रशिया के संबंध तो बहुत अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का जो मामला है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही अमेरिका के खेमे में रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान ने हमेशा से रशिया से बहुत ज़्यादा दूरी बनाकर रखी है। इनफैक्ट USSR से भी बहुत ज़्यादा दूरी बनाकर रखी है। लेकिन अब लगता है डायनेमिक्स पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान और रशिया है वो एक दूसरे के करीब ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ने ज़िंदगी में पहली बार, लाइफ में पहली बार रशिया से क्रूड ऑयल की शिपमेंट ली है और वो कराची पहुँच चुका है और वो अनलोड भी हो रहा है। और अब वो इसके बाद पाकिस्तान और ज़्यादा यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है वो मंगा रहा है, डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मंगा रहा है रशिया से, जैसे कि भारत को और चाइना को मिल रहा है ना। ठीक इसी तरह की डील जो है पाकिस्तान और रशिया के बीच में हुई है, जिसमें पाकिस्तान को ये डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिल रहा है रशिया से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि कहीं कभी किसी ज़माने में दोनों देश ये दुश्मन होते थे, लेकिन आज ये दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं ये, लेकिन इसकी वजह क्या है आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, जब से भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली है ब्रिटेन से, तो दोनों देशों की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा अलग रही है। जहाँ पर पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के खेमे में चला गया था, तो वहीं भारत नॉन अलाइंड ही रहा, यानी कि किसी के साथ नहीं रहा, ना तो अमेरिका के साथ और ना ही USSR के साथ। और इसी बीच भारत का जुड़ाव हमेशा से USSR की तरफ रहा है और USSR ने कई बार भारत की मदद भी की है और USSR की मदद के कारण ही हमें पाकिस्तान को हराने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। और इसी चीज़ से पाकिस्तान की हमेशा से USSR के साथ दुश्मनी रही और इसका मौका पाकिस्तान को मिला भी और USSR को तोड़ने में पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा हाथ था। ये कहा जाता है कि USSR अफगानिस्तान वॉर के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और अफगानिस्तान में USSR को हराने में सबसे बड़ा योगदान पाकिस्तान का था। तो जब USSR टूटा तो तब पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुआ था। तो ऐसे में पाकिस्तान के रिलेशन USSR की हेरिटेज को संभालने वाले रूस के साथ भी अच्छे नहीं थे, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी, ओनली योर इंटरेस्ट इज़ परमानेंट, यानी कि कब कौन सा देश दुश्मन से दोस्त बन जाए या दोस्त से दुश्मन बन जाए कुछ कहा नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में कोई आइडिया नहीं लगा सकता। और रूस और पाकिस्तान के बीच भी ऐसा ही है, पहले ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन होते थे, लेकिन दोनों के बीच में डायनामिक्स पूरी तरह से बदल चुके हैं और अब रूस पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बना रहा है। और इतना ही नहीं, रूस पाकिस्तान को सस्ते में ऑयल भी दे रहा है, जिसमें रशिया का डिस्काउंटेड ऑयल पाकिस्तान पहुंच भी चुका है। आप देख सकते हैं PTI का न्यूज़ आर्टिकल है, रशिया सीक्स एक्सपेंशन इन टायर्स विद पाकिस्तान फॉरेन मिस्टर लैवरोव, यानी कि रशिया जो है वो पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है, जो टाइज़ है, उसको यहाँ पर बढ़ाना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो द हिंदू का आर्टिकल है, पाकिस्तान बिगिंस इंपोर्टिंग डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल, यहाँ पर पाकिस्तान जो है उसने शुरुआत कर दी है रशिया के जो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट करने की, 13 जून का ये आर्टिकल है। और इसी के साथ यहाँ पर रॉयटर्स का आर्टिकल है एक्सक्लूसिव, पाकिस्तान पेड इन चाइनीज करेंसी फॉर डिस्काउंटेड रशियन ऑयल मिनिस्टर, यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान के पास तो डॉलर है नहीं, तो यहाँ पर पैसे भी तो देने हैं ना डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल के रशिया को, तो भाई डिस्काउंटेड है तो पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, भले से कम जाए इंटरनेशनल मार्केट से, लेकिन यहाँ पर जाएंगे। तो उसकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर पाकिस्तान ने चाइनीज़ युआन में की है। और इसी के साथ ही डेक्कन हेराल्ड, पाकिस्तान PM सेज फर्स्ट डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल कार्गो अराइव्स इन कराची, यानी कि पाकिस्तान के PM ने भी यहाँ पर यह कहा है कि भाई पहला जो क्रूड ऑयल का जो कार्गो है वो कराची आ चुका है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ा पोर्ट भी है। और ये रहा वो शिप, इसका नाम है प्योर पॉइंट, ये आ गया है कराची में, आप देख सकते हैं कराची में ये उतर चुका है और यहाँ से जो क्रूड ऑयल है वो अनलोड किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान और रूस के बीच रिलेशन ग्रो हो रहा है और ऐसी पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान के पास पहली बार रूसी तेल पहुँच रहा है। इससे पहले कभी भी यहाँ पर रूस का तेल पाकिस्तान नहीं पहुँचा था, पहली बार यहाँ पर पाकिस्तान ने रशिया का जो ऑयल है उसको ऑर्डर किया है और डिलीवर भी हो गया है ये। और जब ये पहला कार्गो पाकिस्तान गया तो तब यहाँ पर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने ये ट्वीट किया कि ये लो मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया और ये दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन डे है जिसमें हम तरक्की, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं और ये चीज़ रूस और पाकिस्तान के रिलेशन की एक नई शुरुआत है। तो इस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में ली जा रही है और सेलिब्रेट भी किया जा रहा है इसको। और हो सकता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में फ्यूल का प्राइस वो भी नीचे चला जाएगा, जिससे पाकिस्तान में महंगाई थोड़ी बहुत तो कंट्रोल होगी। और इस शिपमेंट में अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर 45,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल
पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर उतारा गया है और अब पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करेगी और उसमें से पेट्रोल, डीजल और जो दूसरे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। क्योंकि रशिया का जो यूराल ग्रेड का जो क्रूड ऑयल है वो मिडिल ईस्ट के क्रूड ऑयल से थोड़ा सा अलग रहता है और अब ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की रिफाइनरी इसे प्रोसेस कर पाती है या नहीं। उसके बाद 50,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल अगले हफ्ते यहाँ पर पाकिस्तान आएगा और फिर लगातार पाकिस्तान में ये आता ही रहेगा। और पाकिस्तान को रूस से 1,00,000 बैरल क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करने की योजना है और भारत अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो भारत रूस को रुपये में पेमेंट दे रहा है, जिससे यहाँ पर रूस के पास लगभग 40 बिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा का रुपया जमा हो गया है, जिससे रूस को समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करे। जबकि पाकिस्तान के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान इसकी पेमेंट चाइनीज़ युआन में कर रहा है और रूस यहाँ पर चाइनीज़ युआन काफ़ी खुशी से एक्सेप्ट भी कर रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि दोनों देश जो पहले कभी दुश्मन होते थे वो दोनों देश अब अपने रिलेशन को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं और ये दोस्ती की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान में काफ़ी तगड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, जहाँ पर पाकिस्तान के पास लगातार डॉलर कम होता जा रहा है और अभी पाकिस्तान के पास 4 बिलियन US डॉलर से भी कम फॉरेन रिजर्व बचा हुआ है, जबकि भारत को देखो तो भारत के पास 600 बिलियन के आसपास फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान के पास सारा फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया है। पाकिस्तान ने अपने इंपोर्ट्स बंद कर दिए हैं, मार्केट को 10 बजे बंद करवाना शुरू कर दिया है ताकि एनर्जी भी बचाई जा सके और पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो ज़रूरी दवाइयां और गेहूं भी इंपोर्ट कर पाएँ। एक्चुअली पाकिस्तान खाने पीने के मामले में तो सेल्फ रिलायंट है, लेकिन पिछले साल पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा तगड़ी बाढ़ आ गई थी कि पाकिस्तान की ज़्यादातर जो फसल थी वो बर्बाद हो गई और खाने पीने की कमी हो गई। और इतना ही नहीं, इस बाढ़ में पाकिस्तान में 1700 लोगों की मौत भी हो गई थी और लगभग 30 बिलियन US डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को इस बाढ़ से हो चुका था। यानी कि पाकिस्तान की पॉलिसी से तो पाकिस्तान बर्बाद हो गया था, लेकिन कुदरत ने भी पाकिस्तान को बर्बाद ही कर दिया। और इसी फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए पाकिस्तान के पीएम कभी किसी देश जाते हैं तो कभी किसी देश जाते हैं ताकि कुछ लोन मिल जाए, और ऐसे में इस्लामिक देश भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे हैं और IMF का 6 बिलियन US डॉलर का पैकेज भी अभी अटका हुआ है। तो यहाँ पर सिचुएशन पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। तो पाकिस्तान को जब कहीं से कुछ मदद नहीं मिल रही थी तो ऐसे में पाकिस्तान ने रूस को अप्रोच किया कि भाई आप जो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल भारत को देते हो वही डिस्काउंट आप हमें भी दे दो। पाकिस्तान ने सीधा सीधा यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मांगा था, लेकिन दिसंबर में उस समय चीज़ क्लियर नहीं हो पाई थी और रूस ने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया था। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान के पास क्रूड ऑयल नहीं होता और पाकिस्तान अपनी ज़रूरतों का 80% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं पर जाता है तो वो क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट में जाता है। तो पाकिस्तान अपना इम्पोर्ट बिल कम करना चाहता है, लेकिन उसको बराबर क्रूड ऑयल भी तो चाहिए। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट चाहता है और उसलिए इसने रूस को कॉन्टैक्ट भी किया था। लेकिन सवाल ये आता है कि पाकिस्तान रूस के पास ही क्यों गया, दूसरे देशों से भी तो ले सकता था ना। तो देखिए ऐसी बात नहीं है कि रूस मौज काट रहा है इस समय, क्योंकि देखा जाए तो रूस ने पिछले साल फरवरी के महीने में यूक्रेन पर हमला कर दिया था और इस चीज़ से पश्चिमी देश काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने रूस के अगेंस्ट डिप्लोमेटिक एक्शन लेना शुरू कर दिए, जैसे कि रूस को ग्लोबल पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम स्विफ्ट से निकालना और लगभग 300 बिलियन US डॉलर को सीज करना। और इतना ही नहीं, रूस से क्रूड ऑयल और गैस खरीदना तो बंद ही कर दिया और साथ में रूस के ऑयल पर कैपिंग भी लगा दी ताकि रूस को इकोनॉमिकली तोड़ा जा सके। अब रूस एक तरफ यूक्रेन से लड़ रहा था और एक तरफ इकोनॉमिक कंडीशन से भी लड़ रहा था। रूस के पास तेल और गैस तो बहुत है, लेकिन धीरे धीरे पश्चिमी देशों ने रूस का तेल और गैस खरीदना बंद कर दिया था। अब वॉर लड़ना सस्ता नहीं होता है, आपको मिसाइलें चाहिए, गोला बारूद चाहिए और बहुत ज़्यादा वेपन्स भी चाहिए, तो उसके लिए रूस को कहीं ना कहीं से तो पैसे चाहिए ही चाहिए। और रूस की इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक तेल और गैस के एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है, तो उसने नए नए कस्टमर ढूंढने शुरू कर दिए और उसके लिए रूस ने डिस्काउंट भी देना शुरू कर दिया कि आप हमसे तेल और गैस खरीदो, हम आपको मार्केट रेट से कम पैसों में तेल और गैस दे देंगे। तो रूस और यूक्रेन वॉर से तेल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो ऐसे में चाइना और इंडिया ने दबाकर रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब देखिए कंडीशन तो पाकिस्तान की भी बहुत बुरी थी और कोई देश आगे आकर पाकिस्तान की मदद भी नहीं कर रहा था, तो कोई भी देश पाकिस्तान को सस्ते में क्रूड ऑयल भी नहीं दे रहा था। तो ऐसे में रूस ही एक अकेला देश बचा था जो चाइना और इंडिया दोनों को डिस्काउंट में तेल दे रहा था। तो ऐसे में पाकिस्तान ने सोचा कि भारत को तो सस्ते में तेल मिल रहा है, चाइना को भी सस्ते से तेल मिल रहा है रूस से, तो क्यों ना हम भी कोशिश करें और रूस से सस्ते में तेल खरीदें। तो इसके लिए पाकिस्तान ने रूस से तेल के लिए खरीदने के लिए डिस्काउंट लेने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। और इसमें अगर किसी देश ने सबसे ज़्यादा लॉबिंग की है तो वो है चाइना, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर फ्रेंड है और पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के इन्फ्लुएंस में है। वो भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान फाइनेंशियली डूब जाए और रूस और चाइना की दोस्ती भी नेक्स्ट लेवल की है। तो ऐसे में चाइना ने रूस से कहा होगा कि पाकिस्तान अपना ही बंदा है और अपने इन्फ्लुएंस में भी है और एक न्यूक्लियर पावर भी है, तो पाकिस्तान को भी सस्ता तेल दे दो। तो इस तरह चाइना ने यहाँ पर रूस और पाकिस्तान को आपस में मिलाया और
पाकिस्तान को भी सस्ते में तेल दिलवा दिया। अब यहाँ पर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार आ सकता है, लेकिन उसके लिए रूस से डेली बेसिस पर ऑयल खरीदना होगा पाकिस्तान को। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इससे भारत और रूस के संबंधों पर असर होगा या नहीं। तो देखिए, पाकिस्तान जिए या मरे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और वो किससे ऑयल खरीद रहा है या ना खरीदे इससे भी भारत को कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर भारत और रूस के रिश्तों पर फर्क आ सकता है जब रूस यहाँ पर पाकिस्तान को हथियार भी सप्लाई करे, और ऐसा करना मुश्किल ही है अभी की सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि रूस अभी यूक्रेन के साथ वॉर में उलझा हुआ है जिससे रूस को वेपन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी वजह से रूस ने भारत को S-400 की जो यूनिट जो अभी बाकी थी डिलीवरी होनी, उसकी अभी तक भी डिलीवरी नहीं की है। लेकिन आगे क्या होता है ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी जो डिस्काउंटेड रशियन ऑयल पाकिस्तान को मिल रहा है उससे पाकिस्तान की हालत में ज़रूर थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।